दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने शो एंजल्स टॉक शो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इंटरव्यू के बारे में पूरी की पूरी डिटेल देने वाले हैं। इंटरव्यू एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है जो कि हर एक इंसान को जॉब के लिए अप्लाई करते समय देना होता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपकी प्रोफेशनल कैरियर से जुड़ी हुई है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो में बताए गए सारे के सारे जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए जीवन में आपके प्रोफेशनल कैरियर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं हूं आशीष पांडे और आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने शो एंजल्स टॉक शो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से एजुकेशनल, टेक्निकल और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। आइए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू जो होता है ये एक फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक होती है, जिसमें हम वेरीफाई करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं कुछ डिफरेंट फैक्ट्स को। ये जो इंटरव्यू होता है ये दो लोगों के बीच में कंडक्ट करवाया जाता है, एक होता है इंटरव्यूअर और दूसरा होता है इंटरव्यूई। इंटरव्यूअर जो होता है ये वो कैंडिडेट होता है, ये वो पर्सन होता है जो कि इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है, जो कि इंटरव्यू प्रोसेस में आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। इंटरव्यू जो होता है ये वो पर्सन होता है जो कि इंटरव्यू देने के लिए आता है, जो कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस को जो पूछे जा रहे हैं उनका रेस्पॉन्स देता है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं जो कि इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, इंटरव्यू जो होती है ये एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ये एक प्रोसेस होती है या एक मीटिंग होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, वो आपके व्यूज के बारे में जानते हैं, आपसे जो टेक्निक्स हैं, जो आपकी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स हैं, उनको वेरीफाई करते हैं और उनको क्लैरिफाई भी करते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू के लिए जो फीचर्स दिए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, ये इम्पोर्टेंट फीचर्स जो होते हैं ये आपको मैं बता देता हूं। पहला जो आपका इम्पोर्टेंट फीचर है दैट इज प्री अरेंज, यानी कि जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जाती है दैट शुड बी प्री अरेंज। ये आपको पहले से ही अरेंज करके रखने पड़ते हैं, ये आपको पहले से ही प्री अरेंज होते हैं। दोस्तों, इसके बाद में जो सेकंड जो फीचर है दैट इज एटलीस्ट टू पार्टिसिपेंट। किसी भी इंटरव्यू के लिए कम से कम दो लोगों का होना बहुत ही आवश्यक है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, पहला इंटरव्यूअर और दूसरा इंटरव्यूई। जो थर्ड इसमें कैरेक्टरिस्टिक है या जो इसकी थर्ड फीचर जो है वो है आपके क्लियर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम जो इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं उसमें क्लियरली एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और जो इसका लास्ट जो फीचर है इंटरव्यू का दैट इज डेफिनेट पर्पज ऑफ बोथ पार्टीज मस्ट नो। यहाँ पर जो इंटरव्यू जो करवाया जा रहा है, जो कंडक्ट हो रहा है, उसका डेफिनेट पर्पस होना चाहिए, उसका मेन ऑब्जेक्टिव दोनों ही पार्टीज को यानी कि इंटरव्यूअर और इंटरव्यू को पता होना चाहिए इसके बारे में। यहाँ पर जो गाइडलाइंस ऑफ इंटरव्यू हैं ये आपको मैं बता देता हूँ, जो कि अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीजों को जानना। दोस्तों, सबसे पहली जो गाइडलाइन है उसके में आपको बताया जा रहा है कि इंटरव्यू के लिए बी प्रिपेयर, यानी कि आपको पहले से ही इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके बारे में आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी मार्कशीट्स हैं, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, वो पहले आपके पास में पहले से ही तैयार होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर आपको कोई भी जिससे कि कोई टेंशन ना हो। और प्रेजेंटेबल अपीयरेंस आपका होना चाहिए, आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं तब आपका प्रेजेंटेबल अपीयरेंस होना चाहिए। शो इंटरेस्ट इन इंटरव्यू, आप अगर इंटरव्यू प्रोसेस में बैठे हुए हैं, अपीयर हो रहे हैं, तो वहां पर आप इंटरेस्टेड होने चाहिए इंटरव्यू के लिए। ऐसा ना लगे कि आप वहां पर बड़े भारी मन से बैठे हुए हैं, या आप वहां पर बैठे हुए हैं तो आपको एक बर्डन सा फील हो रहा है, या आप उसमें नॉन इंटरेस्टेड हैं, तो ये चीजें फील नहीं होनी चाहिए अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए अपीयर हो रहे हैं तो। थर्ड पॉइंट जो है गिव करेक्ट एंड कंप्लीट आंसर, जो आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं उनके करेक्ट और कंप्लीट आंसर देने चाहिए। क्वेश्चन देते आंसर देते समय कोई भी आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कोई भी मिसगाइड करने की जरूरत नहीं है, जो आपको आंसर आते हैं उनको ही प्रॉपरली और करेक्ट वे में आप उनको प्रोवाइड करवाएं। जो नेक्स्ट जो है बी पोलाइट एंड अवॉइड टॉकिंग टू मच, अगर आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं तो वहां पर आपको पोलाइट होना बहुत जरूरी है, और साथ के साथ आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर ज्यादा बातें ना करें, जितना आपसे पूछा जा रहा है आप उतना ही जवाब दें। अवॉइड क्रिटिसिज्म, ये मेन पॉइंट होता है जो कि इंटरव्यू के टाइम पर आपको ध्यान में रखना पड़ता है, वहां पर किसी की क्रिटिसिज्म नहीं करनी है, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। और ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं इंटरव्यू देते समय कि हम जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं या हमारी जो लास्ट कंपनी जो होती है हम उसके बारे में क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो इस चीज को अवॉइड करें, कभी भी क्रिटिसाइज ना करें किसी कंपनी के बारे में या अपने लास्ट प्रोफेशन के बारे में जहां पर आप वर्क कर रहे थे।
नेक्स्ट जो है प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज एंड से थैंक्स। आप जब इंटरव्यू प्रोसेस में बैठे हुए हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है ये बहुत ही मैटर करती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस शो को शो करती है। वहां पर आपकी अगर बॉडी लैंग्वेज अगर पॉजिटिव है तो आपके कॉन्फिडेंस को शो अप करेगी वो, और अगर आप बॉडी लैंग्वेज में वीक हैं, आप इधर उधर ज्यादा देख रहे हैं, आप पैर हिला रहे हैं, आप हाथ टेबल के ऊपर रख के बैठे हुए, तो ये काफी चीजें होती है नेगेटिव समझी जाती हैं, तो आपकी नर्वसनेस को शो करती है। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, और आप लास्ट में जब आप वहां से निकले, रूम में से बाहर निकले, तो सभी को ही थैंक्स करके निकले, और जब आप रूम में एंटर करते हैं स्टार्टिंग में तो सबको गुड मॉर्निंग बोले, या जैसा भी टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आपको विशेष जरूर करनी चाहिए, अपने अच्छे एटिकेट्स आपको शो करनी चाहिए। यहाँ पर लास्ट में जो है नेवर हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन। अगर आपको इंटरव्यू प्रोसेस में अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं और आप कुछ पूछना चाहते हैं कंपनीज के बारे में, तो आप डेफिनेटली आप वहां पर पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, और क्वेश्चन पूछने का भी एक बहुत ही सुंदर सा तरीका होता है। आप उनसे पहले आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आई हैव टू वांट सम क्वेश्चन, तो आप अगर बड़ी पोलाइटली से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका जवाब भी आपको मिलता है। तो ये सारे के सारे गाइडलाइंस हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू का क्या फीचर होता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। साथ के साथ आपको इंटरव्यू की क्या डेफिनेशन होती है, कौन कौन लोग इंटरव्यू में बैठते हैं, ये सारी की सारी डिटेल में मैंने आपको इस इंटरव्यू प्रोसेस रिलेटेड वीडियोस में इंफॉर्मेशन दी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है, और ये आपके करियर से रिलेटेड है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखें, इसको लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम हमेशा अपने चैनल पर इसी तरीके से एजुकेशनल, टेक्निकल और मोटिवेशनल वीडियोज आपके लिए अपलोड करते हैं। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।